मीटिंग इंतजाम किया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, प्रिय मित्र पार्लियामेंट मेंबर तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साहब, कैंपेन कमिटी चेयरमैन प्रिय मित्र मधु याष्टी गौड़ साहब, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल सीनियर लीडर शबीर अली साहब, आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन साहब, सीनियर लीडर वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर्मर मिनिस्टर गीता रेड्डी जी, अंजन फॉर्मर एमपी फॉर्मर सिटी प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव साहब, पीसी डिपार्टमेंट चेयरमैन नूति श्रीकांत, फिशरमैन डिपार्टमेंट चेयरमैन मिट्टू साई, कैंपेन कमिटी चेयरमैन कैंपेन कमिटी कन्वीनर अजमतुल्ला, इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव साहब, दोस्त वाजिद साहब, और जो भी यहाँ बैठे हुए अगर कोई नाम भूल गए तो माफ कर देना, दासोजी सेवन साहब, जफर जावेद साहब, आमिर जावेद साहब, सिराज खान साहब, और गीता रेड्डी साहब को मैंने नाम नहीं लिया, महिला प्रेसिडेंट सुनीता राव जी, एसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन अनिल तोमर साहब, और जो भी इधर आए मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर, माइनॉरिटी के मेरे भाई बहन, सबको सलाम। इतना अच्छा ये प्रोग्राम इंतजाम किया हुआ है तेलंगाना की, तेलंगाना कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सुहेल साहब और उनकी पूरी टीम को मैं ना अभिनंदन शुभाकांक्षा तेलुगुस्तान। बहुत अच्छा टाइम पे ये प्रोग्राम लगाया है। पहले मैं एमएलए होते हुए अभी एमपी होते हुए इस 7.5 साल से देख रहा हूं मैं तेलंगाना में केसीआर मुसलमानों को क्रिश्चियंस को पूरी माइनॉरिटीज को जितना धोखा दे रहा है और शायद किसी और को धोखा नहीं दिया है। 2014 में अप्रैल में इलेक्शन कैंपेन में केसीआर साहब ने शादनगर में ऐलान किया था अगर टीआरएस पार्टी जीतेंगे तो मुसलमान बच्चों को नौकरियों में और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 12% रिजर्वेशन बढ़ाएंगी। अब सबको मालूम है पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में 4% रिजर्वेशन लागू है, 4% से बढ़ा के 12% रिजर्वेशन करके बोल के 2014 में अप्रैल में शादनगर में केसीआर साहब ने ऐलान किया था। 4 महीने गुजर गए, पहले रमजान आया था, केसीआर चीफ मिनिस्टर के बाद पहले रमजान पे शेरवानी पहने बिरयानी खजूर खिलाया, बोले आज से अगले रमजान तक 12% रिजर्वेशन कर देंगे। अगला रमजान आया, अगला रमजान पे बोले अगला रमजान तक कर देंगे। आज जब मैं एमएलए था यही केसीआर साहब असेंबली में बोले ऑन रिकॉर्ड, मैं मोदी साहब से बात कर लिया मुसलमानों का 12% रिजर्वेशन हो जाएगा। अब उसके बाद ये 3-4-5 साल से उसके बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्या वो आपने बोला था कि मोदी साहब से बात किए, उन्होंने भी अग्री किया, और क्यों अभी ये 12% रिजर्वेशन रुका हुआ है? अब इतना आपको बताना चाहता हूं, टीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। मैं मुसलमान भाई बहन को अपील करता हूं, आप टीआरएस को विश्वास ना करिए, और जो ये नए नए पार्टियां हैं वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से लेकर यहां अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और हम सब लोग मुसलमानों की वेलफेयर के लिए और सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं। चल रही है 2 मिनट तो थोड़ा, अरे
रुको बस 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 धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का मुसलमानों को क्रिश्चियंस को एक स्पष्ट रूप से मैसेज जाना है कि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी जब तक जब से दिल्ली में 2014 से आई है, मैं भी पार्लियामेंट मेंबर होते हुए बोल रहा हूं, देश भर में मुसलमानों की क्रिश्चियंस की हरासमेंट हो रही है, इनसिक्योरिटी हो गई है। कभी हमने सोचा नहीं था कहीं इस देश की प्रधानमंत्री, इस देश की होम मंत्री भी रिलीजियस लाइंस पे हमारी पूरी सोसाइटी को डिवाइड करेंगे और इस देश को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन डिवाइड करके वो पॉलिटिकल बेनिफिट पाना चाहते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अनेक इंसिडेंट्स हुए हैं जहां मुसलमानों की हत्या की गई है, हरासमेंट की गई है, और उस मोदी को ये केसीआर मदद कर रहा है। अगर मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, यहां टीआरएस को हराना है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ मैसेज देता हूं। बीजेपी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट, अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद साहब को, वो आरएसएस के है, टीआरएस पार्टी ने वोट डाला है। उस टाइम मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी, जब हैदराबाद आई तो मैं और मीरा कुमार साहिबान ने मिलके केसीआर को घर को फोन किए कि सेक्युलर कैंडिडेट है मीरा कुमार, उनको मदद दो। लेकिन नहीं, केसीआर ने उनके एमपीओं के साथ बीजेपी के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को वोट डलवाया। वेंकैया नायडू बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की ग्रैंडसन गोपाल गांधी को खड़ा किए, फिर भी टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट दिया। डिमोनिटाइजेशन में टीआरएस ने बीजेपी को मदद किया, जीएसटी में टीआरएस ने बीजेपी को मदद किया। अभी भी, आज भी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में किसी इश्यू पे टीआरएस पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रहे। कश्मीर के इश्यू पे टीआरएस ने बीजेपी का मदद किया, ट्रिपल तलाक इश्यू में टीआरएस ने बीजेपी की मदद किया, और एक स्टेप आगे जाके टीआरएस एमपीओ ने कश्मीर मसले में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में बहुत सी तारीफ किया। मेरे मुसलमान और क्रिश्चियन भाई बहन, इतना ही आपको बोलना चाहता हूं कि टीआरएस और बीजेपी का गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, पार्लियामेंट में एक भी इश्यू ऐसा नहीं है जब टीआरएस ने बीजेपी और मोदी का खिलाफ किया है। यहां हर रमजान पे बस मुख्यमंत्री शेरवानी पहन लेते हैं, कुछ बिरयानी खिलाते हैं, कुछ खजूर खिला के बस, ये 12% रिजर्वेशन है और कुछ नहीं करना। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज क्या हुआ? वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज एक एकड़ जमीन भी वापस लिए क्या? अच्छा, जब मैं असेंबली में था, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया केसीआर साहब ने, मैं इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा। अच्छा अकबर भाई, आपको मैं गच्ची बोली में लैंड दे दिया, अभी फाउंडेशन लगा देंगे, एक साल में पूर्ति पूरा करेंगे। अब मैं असेंबली छोड़ के भी बहुत साल हो गए, अब उसका एक ईटा भी नहीं डाला गया उधर। हर विषय में मुसलमान और क्रिश्चियन को यहां टीआरएस धोखा दे रही है, वहां तो बीजेपी पर सरासर क्रिश्चियंस और मुस्लिम को हरास कर रही है। मैं हम इतना ही एक मैसेज पूरी मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी में ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, हर विषय में हम माइनॉरिटीज के साथ हैं। और इतना भी बोलता हूं, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी अब रेवंत रेड्डी साहब और मैं और वेंकट रेड्डी साहब अगर एमपी बने हैं माइनॉरिटी की वोट की वजह से, मैं इतना ही शुक्रगुजार हूं। उन्होंने बीजेपी की थ्रेट को परसीव करते हुए हमें पार्लियामेंट को भेजा है, हम हर विषय पे आपके मदद रहेंगे। लेकिन यहां टीआरएस का और केसीआर जितना धोखा कर रहा है आप लोगों को, पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये मैसेज हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन, हर माइनॉरिटी फैमिली के पास जाना है। मैं इतना ही कह के मेरा ये संदेश समाप्त करता हूं।
मैं सोहेल साहब और पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पूरी दिल से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, अच्छा प्रोग्राम किया, वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया साहब। अब मैं दाशु जी, श्रवण साहब, एएससी स्पोक पर्सन से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें कम वक्त में।